लॉकडाउन के दौरान शहर को सैनिटाइज कर रही नगरपालिका, हर वार्ड में हो रहा छिड़काव। नगरपालिका द्वारा पूरे शहर के अभी मुख्य मार्गों में सैनिटाइज किया जा रहा है फायर की गाड़ी से, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो उसके द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे हमने 2-3 दिन से लगातार ये व्यवस्था की जा रही है। आज डिंडोरी नाका से हमने चालू किया और पूरा चिलमन चौक होते हुए बढ़ चौराहा, ये पूरे मार्गों में आज हम लोग सैनिटाइज फायर ब्रिगेड के माध्यम से किए कर रहे हैं। हमारे यहाँ मंडला नगर पालिका द्वारा पूरे वार्डों में 24 वार्डों में सफाई अभियान चालू है। गैंग लगी हुई है, सब जो जाम नालियों के चौक खोले यार पूरी सफाई की जा रही है, पाउडर डाला जा रहा है, सैनिटाइजिंग कराई जा रही है और आज से हमारे यहाँ मेन रोडों फायर ब्रिगेड के द्वारा सैनिटाइजिंग कराया जा रहा है। मंडला नगर पालिका के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी है और उसके द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके लिए हर एक वार्ड में नगरपालिका के कर्मचारी फायर ब्रिगेड से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव नगरपालिका अध्यक्ष पूर्णिमा शुक्ला और उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी के नेतृत्व में कर रहे हैं। वहीं नगरपालिका के द्वारा कीटनाशक पाउडर का छिड़काव और नालियों की साफ सफाई में भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही झूला पुल से बड़े वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए जो खंभे लगाए गए थे उन्हें भी हटवा दिया गया है, जिससे कि इस मार्ग से ज़रूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस या सब्जी भाजी लाई ले जाई जा सके। झूला पुल को लेके लगातार शिकायत मिल रही थी कि यहाँ से अभी मेन कोरोना बीमारी चल रही है, जिसको देखते हुए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और वो वहाँ से नहीं निकल पा रही थी, इसलिए उसको कल हमने नगर पालिका के द्वारा हमने हटाया जाए। और मेन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही थी कि इसमें हमारे पार्षदों के ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो लोग वसूली करते हैं, तो वो भी बहुत मेन दिक्कत का कारण था, इसलिए हमने पार्षदों के हिसाब से पार्षदों के हित को देखते हुए जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उसको देख के हमने वो पोल हटवा दिया। कोरोना जैसी महामारी से आज हमारा पूरा देश गुजर रहा है, संकट के दौर से गुजर रहा है, तो इसी को देखते हुए जो झूला पुल से जो बैरी कोई गंभीर दुर्घटना ना हो और लोगों को आसानी से फायर ब्रिगेड की जा सके, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, माँ नर्मदा की कृपा है कि आज तक मंडला में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है और आगे भी ना हो, पर सावधानी में ही सुरक्षा है, इसीलिए हम लोगों ने ये काम किए।